लेकिन जब सवाल
कानून पूछा जाता है तो नीतीश जी कहते हैं कानून का राज है, कार्रवाइयां होगी, गिरफ्तारियां होगी, सजा दिलाया जाएगा, स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं बंधुओं, कार्रवाइयां भी हो रही है, कह रहे सजाएं भी हो रही है, लेकिन ये क्राइम नहीं रुक रहा है। इसका असली कारण क्या है? असली कारण यह है कि जो क्राइम करने वाले लोग हैं वो इन सरकार के मंत्री विधायकों और तमाम लोगों के संरक्षण में पल रहे हैं। असली क्रिमिनलों पर कोई कार्रवाइयां नहीं हो रही है। कार्रवाई किस पर हो रही है? आम लोगों पर। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना होगा, पटना के भीतर एक चर्चित हत्याकांड हुआ था, रूपेश हत्याकांड। पूरा बिहार के लोगों ने साफ तौर पर देखा, आईने की तरह से साफ था कि उस घटना को लेकर के जिनकी गिरफ्तारी हुई है। मैं कुछ दिन पहले जब जेल में था, अभी हाल ही में मैं जेल से छूट कर आया हूँ, विधानसभा चलने के दौरान हमें बेउर जेल में शिफ्ट किया गया था, वहाँ उन लोगों से मुझे भेंट हुई जिनको गिरफ्तार करके भेजा गया है। पुलिस कह रही है कि वो अपने स्वीकारोक्ति बयान में स्वीकार किया है कि हमने रूपेश हत्याकांड किया है, लेकिन वहाँ वो लड़का कह रहा है कि हमको इतना मारा गया, इतना पीटा गया, इतना डरवाया गया, कहा गया कि तुम्हारे घर को बर्बाद कर देंगे, और डर के मारे हमसे कहवा दिया गया कि हमने रूपेश हत्याकांड किया है, क्योंकि हमको एक दिन गाड़ी से जाते क्रम में थोड़ी सी बैठक हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ, उतना बड़ा कांड एक बंधक को लेकर हो सकती है? नहीं हो सकती है। वो सीधे तौर पे कहा कि मुझे फंसा दिया गया है। सच्चाई यही है कि रूपेश हत्याकांड में भी जो असली अपराधी है, असली जो माफिया है, असली जो संरक्षक लोग हैं, उसका तार बिहार के मंत्री, बिहार के विधायकों और बिहार के सरकार तक जा रहा है। इसे बचाने के लिए, उस केस को रफा दफा करने के लिए मोटे तौर पर कुछ लोगों को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया, और आने वाले दिनों में आपको सुनने को मिलेगा कि उसे सजा भी करा दी गई है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आम लोगों को पकड़ करके जेलों में बंद करके उसे सजा दिला करके चाहे सरकार जितना अपना पीठ थपथपा ले, यह सच्चाई है कि इससे बिहार में क्राइम रुकने नहीं जा रहा है, ये संरक्षण में पड़ रहा है। और अभी तो मुझे जो पता चला है, ये कांड जिस तरीके से हुआ है, यहाँ पर 5 लोगों का नरसंहार दिन दहाड़े किस तरीके से किया गया है, ये साफ साफ जाहिर होता है कि इसमें यहाँ के जो विधायक है, बेन्नी पट्टी के विधायक और भी 2-3 विधायकों का नाम आ रहा है, उनके घर से, उनके गांव से एक अपराधी की गिरफ्तारी होती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो अपराधी जब आपके गांव में रह रहे हैं तो क्या उनसे विधायक जी की बात नहीं होती होगी? इन तमाम अपराधियों से बात होते रही है और इन विधायकों द्वारा, इन मंत्रियों द्वारा लगातार इस केस को मैनेज करने का और तबाह देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैंने अभी जानकारी के माध्यम से मुझे जो लगा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी जब आए थे इस मधुबनी में, उस दिन से, उससे पहले हमारी पार्टी भाकपा माले की जांच टीम गई और पूरी घटना का उद्भेदन जब हुआ तब से जाकर के बातें आगे बढ़ी है, तो आज जो है मधुबनी की जनता सड़कों पर उतरी है। नहीं तो इस सरकार की पूरी योजना थी इस मामले को भी रफा दफा कर दिया जाए। और इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आज अगर इस तरह की कोशिशें हुई तो सरकार ऊपर से चाहे जितना दावा कर ले, क्राइम नहीं रुक सकता है, अपराध नहीं रुक सकता है, आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन हमारी पार्टी ने भी, हमारे महागठबंधन ने भी ये संकल्प लिया है, क्योंकि इस बार का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, आपने इसके उस दौर को भी देखा, विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार की जनता यह मन बना चुकी थी कि इस बार बिहार में परिवर्तन लाना है। बिहार की जनता बिहार के विकास के सवाल पर, बिहार में नौजवानों के रोजगार के सवाल पर, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर बिहार की जनता वोट देने के लिए तैयार हुई थी। एक परिवर्तन का लहर दिखाई पड़ा था और वो जाते जाते, अंतिम समय जाते जाते हमने देखा कि वोटों में भी एक लेवल पर परिवर्तित हुआ था। लेकिन बाद में पिछले दरवाजे से मोदी जी के जरिए, अमित शाह के जरिए सीधे तौर पर प्रशासन को ब्यूरोक्रेट पर दबाव बना करके
लगा करके थोड़े से मतों से बहुत सारे सीट जीत करके जबरन सत्ता में पहुंच गए हैं। नहीं तो ये बताना चाहते हैं बंधुओं, ये सरकार बनने वाली नहीं थी, बन गई है, ठीक है, सत्ता में आ गए हैं, ये भी बात ठीक है। लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, या आप चाहे जितना पिछले दरवाजे से बिहार के कुर्सी पर बैठ गए हो, अगर बिहार के जनता के सवाल हल नहीं हुए, अगर 19 लाख लोगों को रोजगार आपने नहीं दिया, अगर बिहार में क्राइम का ग्राफ नहीं रुका, अगर इस तरीके से जनसंहार होते रहा, इस तरीके से बड़े बड़े अपराधियों को संरक्षण दिया जाते रहा, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भाकपा माले और महागठबंधन के नेतृत्व में पूरे बिहार के भीतर एक बड़े आंदोलन का आगाज होगा और इस सरकार का निधन हम आराम कर देंगे, इस सरकार को चैन से नहीं।